एक साधु की कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई है। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाएंगे। साधु बोला, अरे हम क्या होंगे, मैं भगवान की इतना तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमरे में कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे, तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने बचाएंगे। और वहाँ नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु सर तक पहुँच गया, और अब लोगों के बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगा। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाएंगे, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास मैं दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया है, पेड़ डूब गया और साधु को भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, मेरी सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतनी भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि तुम मुझे बचाने आएंगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान एक नहीं तीन बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौका देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को टुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करे रहे होते हैं।